नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ईद मिलाद उन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा कोविड 19 की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। काफी संख्या में समुदाय के लोग जुलूस लेकर चादरपोशी करने जा रहे थे, जिसे पुलिस ने अमैया थाना के सामने रोककर एक दर्जन से अधिक लोगों को थाने में बुलाकर समझाइश दी है। साथ ही गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि विजयादशमी के चल समारोह को भी प्रशासन ने स्वीकृति नहीं दी थी, जिसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रावण का वध किला परिसर के अंदर किया गया है। इसी गाइडलाइन के तहत ईद मिलादुन्नबी त्योहार के अवसर पर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद काफी संख्या में लोग एकत्र होकर ढोल बाजे के साथ ताजपोशी करने जा रहे थे। आइए सुनाते हैं समुदाय के लोगों का क्या कहना है। मामला ऐसा हुआ सर कि शांति समिति में ये तय हुआ था कि जिस तरह दशहरा हुआ और विसर्जन हुआ, आप भी उस तरह गाइडलाइन का पालन करते हुए 25-50 लोग आप जाके जो है तो अपना झंडा लेके आप जुलूस निकाल सकते हो। हमारे आदमी सिर्फ तरहटी के हैं और यहाँ खड़े हुए हैं कुछ लोग, इतने ही लोग। हम लोग ढोल नगाड़े के साथ जा रहे थे और जिसमें कोई डांस नहीं कुछ नहीं, सीधे हम लोग वहाँ से घर से निकले हैं और डायरेक्ट अमैया जा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ रोक के जो है तो गाइडलाइन का उल्लंघन बताया और जो भी है प्रकरण दर्ज करने की बात चल रही है। अब जो हो तो क्या के लोग थे आप लोग? हम लोग भैया कम जितना गाइडलाइन दिया गया था समथिंग 40 के लगभग थे। जैसे मतलब ये हुआ कि भाई जिस तरह दशहरा हुआ आप लोग शांतिपूर्वक मना लो, कोई इधर उधर का जुलूस नहीं, किसी मोहल्ले का जुलूस नहीं, तरहटी का था और जुलूस भी शक्ल नहीं थी। हम लोग चादरपोशी करने जा रहे थे चूँकि आज बड़ी दरगाह हम लोग फातिहा के लिए जाते हैं। तो आप लोग चादर चढ़ाने जा रहे थे तो क्या प्रॉपर तरीके से कोविड के नियमों का पालन हो पा रहा था? बिल्कुल, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे जुलूस निकालने से। कुछ लोगों द्वारा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया, वो लोग चादर चढ़ाने जाने का बता रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ थाना अमैया में उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और 188 के तहत कार्रवाई की गई है और वही बाकी लोगों को समझा दिया गया है। सभी लोग अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं, कोई क्राउड गैदरिंग नहीं होगी। कितने लोगों पर कार्रवाई की क्या? अभी मैं संख्या एक बार देख लेती हूँ पता करके, फिर मैं आपको जानकारी दूंगी। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।